नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और आज मैं लेकर के आया हूँ पॉलिटी और गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आने वाले स्टेट पीसीएस जैसे कि जेपीएससी, बीपीएससी और इवन यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों आइए अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा का मैक्सिमम स्ट्रेंथ क्या होता है। जी तो इसका सही आंसर होगा 552 लोकसभा का और 250 राज्यसभा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इलेक्टेड इन लोकसभा एंड राज्यसभा कुड बी, तो इसका सही आंसर है 543 लोकसभा से और 233 राज्यसभा से। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगण मन फर्स्ट पब्लिश एज, जी हाँ, जनगण मन जो अपना नेशनल एंथम है वो कब पब्लिश हुआ था। तो जी हाँ, ऑप्शन देख लीजिए, भारत माता, भारत विधाता, भारत भाग विधाता और भारत विधाता इन 1911। तो इसका सही आंसर होगा भारत विधाता इन 1912। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु ट्रांसलेटेड नेशनल एंथम टू हिंदी, जी हाँ, हमारा नेशनल एंथम जनगणमन हिंदी में किसने ट्रांसलेट किया बंगाली से। ऑप्शन है आबिद अली, आर एन टैगोर, अभिनन्द्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर। सही आंसर है आबिद अली। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी ऑल इंडिया सर्विसेज एग्जिस्ट टूडे इन इंडिया, जी हाँ, जो ऑल इंडिया सर्विस बनाया जाता है राज्यसभा के द्वारा वो अभी कितने हैं। तो जी हाँ, वो हैं तीन। वो तीन तीन कौन कौन है? IAS, IPS एंड IFS। चलिए आगे बढ़ते हैं। CAG एंड अटॉर्नी जनरल आर अपॉइंटेड बाई, जी हाँ, ऑप्शन है पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, बोथ बाय प्रेसिडेंट, बोथ बाय पार्लियामेंट। तो उसका आंसर होगा CAG का अपॉइंटमेंट जो होता है वो होता है पार्लियामेंट द्वारा और अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी स्टैंजा डू वी जनरली सिंग ऑफ नेशनल एंथम, नेशनल एंथम का हम लोग जो स्टैंजा गाते हैं वो कौन सा स्टैंजा होता है? तो वो पहला स्टैंजा होता है। टोटल 5 स्टैंजा होते हैं उसमें, तो वो पहला स्टैंजा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द सिंगिंग टेन्योर ऑफ नेशनल एंथम, जी हाँ, हम लोग जो नेशनल एंथम जनगणमन गाते हैं उसका समय कितना लगता है गाने में उसका? पहला है 52 सेकेंड, दूसरा है 20 सेकेंड, तीसरा है दोनों, चौथा है नन। तो जी हाँ, इसका आंसर होगा दोनों। देखिए अगर पूरा गाएंगे तो 52 सेकेंड्स होगा, लेकिन कभी कभी छोटा टेन्यूर से भी हम गाते हैं, यानी कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन, तो वो 20 सेकेंड का भी होता है। आगे बढ़ते हैं। द लोकसभा एंड राज्यसभा मेंबर इलेक्शन डन वाया, जी हाँ, तो ये लोकसभा राज्यसभा इलेक्शन जो होता है वो किसके कौन सा बैलेट के थ्रू होता है? सीक्रेट एंड ओपन बैलेट, ओपन एंड सीक्रेट, ओपन एंड ओपन, सीक्रेट एंड सीक्रेट बैलेट। तो जी हाँ, इसका आंसर होगा लोकसभा का जो होता है वो सीक्रेट बैलेट की तरह होता है, लेकिन राज्यसभा मेंबर का इलेक्शन जो होता है वो ओपन बैलेट के थ्रू होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु गेव कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरल, जी हाँ, कोऑपरेटिव फेडरल का कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया? ऑप्शन है प्लेटो, चर्चिल, ग्रैनविल ऑस्टिन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ग्रैनविल ऑस्टिन। आगे बढ़ते हैं। फोर लाइन ऑफ नेशनल एम्बलम रिप्रेजेंट्स, जी हाँ, जो हमारा नेशनल एम्बलम है सारनाथ, उसमें चार जो शेर हैं वो क्या क्या दर्शाते हैं? पहला है पावर, प्राइड, करेज, कॉन्फिडेंस, या फिर पावर, प्राइड, कस्टम, कॉन्फिडेंस, या फिर पावर, पैशन, करेज, कल्चर, या फिर नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर होगा ये पावर, प्राइड, करेज एंड कॉन्फिडेंस। चलिए आगे। इफेक्टिव मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमूवल ऑफ, जी हाँ, इफेक्टिव मेजोरिटी किसके रिमूवल में काम आता है? पहला लोकसभा स्पीकर, दूसरा डेप्टी स्पीकर, तीसरा वाइस प्रेसिडेंट, चौथा ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, आपका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अंडर विच आर्टिकल एंड विच अमेंडमेंट, जी हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी का कॉन्सेप्ट जो है वो किस आर्टिकल ने दिया है और किस अमेंडमेंट के थ्रू वो इम्प्लीमेंट हुआ है? जी हाँ, ऑप्शन देख लीजिए, 19(1)(c), 97th अमेंडमेंट, 19(1)(d), 97th अमेंडमेंट, 19(2)(a) एंड 97th अमेंडमेंट। इसका सही आंसर होगा 19(1)(c) एंड 97th अमेंडमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैचुरी बॉडी, इनमें से स्टैचुरी बॉडी कौन सा है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, या फिर नेशनल नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा जी हाँ ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पे ये नहीं होगा,
यहाँ पे ऑल अबव होगा, यानी कि ये भी होगा, ये भी होगा, और सॉरी ये भी होगा, यानी ये तीनों। चलिए आगे, हाउ मेनी रिलीजियस माइनॉरिटी आर आइडेंटिफाइड बाय नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी। जी हाँ, हमारे नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी ने कितने रिलीजियस माइनॉरिटी आइडेंटिफाई किया इंडिया में? ऑप्शन 3, 4, 6 या 8। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा 6। मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बुद्ध। और अगला क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी फ्रॉम, मतलब स्पीकर ऑफ जो लोकसभा वो कहाँ से हो सकता है, रूलिंग पार्टी से या फिर ओपोजिशन से, दोनों में से किसी एक या नन ऑफ द अबव। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा दोनों में से कोई भी, यानी कि स्पीकर ऑफ लोकसभा वो रूलिंग पार्टी से भी हो सकता है, यानी जो जिसने गवर्नमेंट फॉर्म किया है, या फिर अपोजिशन पार्टी से भी हो सकता है। लेकिन ये कन्वेंशन है, जी हाँ, ये कन्वेंशन माना जाता है कि जो स्पीकर होगा वो होगा रूलिंग पार्टी का, और जो डिप्टी स्पीकर होगा वो होगा अपोजिशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, एनी बिल इज ऑफ विच नेचर इज डिसाइडेड बाई लोकसभा स्पीकर। जी हाँ, जो बिल पेश करते हैं वो किस नेचर का है, मनी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, ये लोकसभा स्पीकर कब डिसाइड करता है, आफ्टर वोटिंग, बिफोर दैट वोटिंग, या फिर कभी भी, या फिर नॉन द अबव। तो इसका आंसर होगा आफ्टर वोटिंग। जी हाँ, वोटिंग करने के बाद, लोकसभा में वोटिंग हो जाता है, उसके बाद लोकसभा स्पीकर जो है वो बताता है राज्यसभा को कि ये ऑर्डिनरी बिल है या मनी बिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है द पावर टू डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑफ हाउस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवेन टू हुम। जी हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन का पावर किसे दिया गया है, लोकसभा स्पीकर को दिया गया है, चेयरमैन को दिया गया है, बोथ को या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा बोथ। जी हाँ, दोनों को दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं, इफ बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर इज एबसेंट देन हु प्रिसाइड्स ओवर द हाउस। जी हाँ, अगर देखिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों एबसेंट है तो कौन प्रिसाइड करेगा, ऑप्शन देख लीजिए, मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड अमंग द प्रेसिडेंट, सीनियर मोस्ट मेंबर, नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा अ मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड अमंगस्ट देम, अपने ही में वो लोग एक मेंबर को सिलेक्ट करेंगे जो कि उस हाउस को प्रिसाइड करेगा। आगे बढ़ते हैं, इफ बोथ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर सीट इज वैकेंट देन हु प्रिसाइड्स। देखिए, अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर दोनों का सीट अगर वैकेंट है तब उस हाउस को कौन प्रिसाइड करेगा, ऑप्शन है अ मेंबर ऑफ द लोकसभा इलेक्टेड बाय प्रेसिडेंट, मतलब एक मेंबर जो जिससे कि प्रेसिडेंट इलेक्ट करेगा, सीनियर मोस्ट मेंबर, या फिर अ मेंबर इलेक्टेड अमंग देमसेल्फ, मतलब अपने में वो लोग एक मेंबर को चूज कर लेंगे जो कि सीनियर मोस्ट मेंबर होगा, या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा अ मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ द लोकसभा इज डिसॉल्व ड्यू टू सम रीजन देन, तब क्या होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम लोकसभा सीट सीजेस, मतलब उस, और इफ स्पीकर सीट सीजेस, बोथ सीजेस, या फिर नॉन ऑफ द अबव। जी हाँ, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी लोकसभा डिजॉल्व होता है तो सिर्फ और सिर्फ एमपी जो होता है उनका पावर खत्म हो जाता है, उनका पद खत्म हो जाता है, लेकिन स्पीकर तब तक बना रहेगा जब तक कि नया इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन ना हो जाए और नया एमपी वहाँ पे आ नहीं जाए। ये बिल्कुल उसी तरह काम करता है कि जैसे एक आदमी की मृत्यु होने के बाद शरीर तो मर जाती है लेकिन आत्मा जीवित रहती है। तो याद रखिएगा कि आत्मा यहाँ पे स्पीकर है, वो जीवित तब तक रहेगा जब तक दूसरा कोई शरीर धारण कर न ले, ये याद करने का ट्रिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हु विल टेक ओथ ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एज एमपी। जी हाँ, अब बताइए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का ओथ कौन लेता है, ऑप्शन है प्रोटेम स्पीकर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा प्रोटेम स्पीकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, द वर्क ऑफ प्रोटेम स्पीकर इज टू, देखिए प्रोटेम स्पीकर का काम क्या है, ऑप्शन है द टेक ओथ ऑफ न्यू एमपी, जो न्यू एमपी इलेक्ट होकर के आए हैं लोकसभा में उनका ओथ लेना, या फिर टेक ओथ ऑफ न्यू स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, या फिर जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर का ओथ लेना, कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। जी हाँ, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, ये कुछ पॉलिटी और गवर्नेंस का कुछ क्वेश्चन था जिसे मुझे लगा कि आप लोगों के समक्ष रखना चाहिए। तो जो भी प्रचार थी
स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये क्वेश्चन जरूर आने चाहिए, समझने चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम आगे भी ऐसे वीडियो लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों। मैं जल्दी पॉलिटिक्स से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस को जल्दी लेकर के आऊँगा। और तब तक अगर आप हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ जुड़ जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है।